हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है आप लोगों के लिए BTUP के ऑनलाइन एग्जाम को लेके। BTUP ने अभी अपनी तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं दिया है, लेकिन आपके ऑनलाइन एग्जाम को लेके न्यूज़पेपर में इसको लगातार कवर किया जा रहा है। तो आज के डेट में भी न्यूज़पेपर में दिया है कि आपका एग्जाम जो है ऑनलाइन हो सकता है, और ऑफिशियल नोटिस क्यों नहीं आ रहा है, इतना टाइम क्यों लग रहा है, इसके बारे में भी दिया गया है। तो आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। आप लोगों को पता होगा कि BTUP के जो सेमेस्टर एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन होने थे और 20 जनवरी से होने थे। अब 20 जनवरी से होना मुश्किल दिख रहा है, लेकिन BTUP इसके बारे में कुछ नहीं कर रहा है। न्यूज़पेपर में लगातार ये बातें आ रही हैं कि आपके एग्ज़ाम 20 जनवरी से नहीं हो पाएंगे, लेकिन BTUP अभी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं दिया है कि जो 20 जनवरी से एग्ज़ाम होना था उसको कैंसिल कर दिया गया है। हालांकि कल एक न्यूज़ आया था वो बिल्कुल फेक न्यूज़ था। तो यहाँ पर आज के न्यूज़पेपर में देखिए दिया गया है कि ऑनलाइन हो सकती है पॉलिटेक्निक की सेमेस्टर परीक्षाएं। फिर इसमें दिया गया है कि पॉलिटेक्निक की 20 जनवरी से प्रस्तावित विषम सेमेस्टर विशेष बैक पेपर और मल्टी पॉइंट क्रेडिट सिस्टम परीक्षा ऑनलाइन हो सकती है। फिर यहां पर देखिए दिया गया है, उधर विद्यार्थियों व कॉलेजों द्वारा ऑनलाइन परीक्षा कराने की मांग बढ़ती जा रही है। परीक्षा में करीब 3 लाख विद्यार्थी बैठेंगे। पिछले सम सेमेस्टर की परीक्षाएँ विभाग ने ऑनलाइन ही कराया था। फिर देखिए यहाँ पर दिया गया, अभी तक विभाग ऑफलाइन परीक्षा कराने पर अड़ा था। कहने का मतलब BTUP भी चाहता था कि परीक्षा जो है वो ऑनलाइन ना होकर ऑफलाइन ही हो, लेकिन जिस तरह से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है उससे ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजन होने की संभावनाएं जो है ज़्यादा प्रबल हो गई हैं। वहीं विभाग की तरफ से ऑफलाइन परीक्षा के लिए खास तैयारियाँ नहीं चल रही हैं। यहाँ पर देखिए, जब से कोविड का केसेस ज़्यादा बढ़ने लगा तो ऑफलाइन की तैयारी, परीक्षा के लिए जो तैयारियाँ हैं वो नहीं मतलब हो पा रही हैं। अब देखिए यही वजह है कि अभी तक परीक्षा केंद्र भी नहीं तय किए गए हैं। अब आप सोच सकते हैं, आज है आपका 12 जनवरी और अभी तक परीक्षा केंद्र भी नहीं तय हुआ है। इसका मतलब यही है कि आपका एग्ज़ाम 20 जनवरी से नहीं होगा, इसको पोस्टपोन किया जाएगा या फिर ऑनलाइन किया जाएगा। इसके लिए BTUP अभी टाइम ले रहा है नोटिस के लिए। जल्द ही आपको नोटिस देखने को मिलेगा ऑफिशियल, क्योंकि अभी तक परीक्षा केंद्र भी नहीं बना है, जबकि कुछ दिन पहले कहा गया था कि परीक्षा केंद्र बनाने की तैयारी चल रही है। फिर देखिए यहां पर क्या लिखा गया है, यही वजह है कि अभी तक परीक्षा केंद्र भी तय नहीं किए गए हैं। ऑनलाइन परीक्षाएं हुई तो छात्र घर बैठकर परीक्षा देंगे, मतलब जैसा पिछली बार हुआ था वैसा ही होगा, लेकिन इस बार नकल रोकने की ज्यादा तैयारी की जाएगी। फिर देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर ऑनलाइन परीक्षाएं होती हैं तो प्रश्न पत्र का पैटर्न जो है बदल जाएगा, परीक्षा कार्यक्रम में भी बदलाव किया जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए दिया गया है, परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव किया जाएगा, परीक्षा भी ढाई ढाई घंटे की बजाय 1.5 घंटे की होगी। अब यहाँ पर यही इंपॉर्टेंट चीज़ दिया गया, इसको देखिए, BTUP की ऑफिशियल नोटिस क्यों नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखिए दिया गया है, प्राविधिक शिक्षा परिषद के सचिव सुनील कुमार सोनकर ने बताया कि ऑनलाइन परीक्षा के आयोजन पर निर्णय प्राविधिक शिक्षा विभाग को लेना है। कहने का मतलब, जब तक प्राविधिक शिक्षा विभाग ऑनलाइन परीक्षा के लिए डिसीजन नहीं लेता है, तब तक आपको कोई ऑफिशियल नोटिस देखने को नहीं मिलेगा। जब एक बार ऑनलाइन एग्जाम को लेकर मतलब कि विभाग निर्णय ले लेगा, उसके बाद आपका ये एग्जाम जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। आपको टाइम दिया जाएगा MCQs तैयार करने के लिए। तो इसमें फिर देखिए दिया है, निर्णय होते ही तैयारी शुरू हो जाएगी। कहने का मतलब, आपका ऑनलाइन एग्जाम के संकेत यहाँ से भी मिल रहे हैं। तो एक छोटा सा अपडेट था आप लोगों के लिए, आज के न्यूज़पेपर में दिया गया था। बाकी आप पढ़ाई करते रहें, BTUP अभी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं दिया है। यहाँ पर न्यूज़पेपर में जो भी न्यूज़ दिया था वहाँ उसके माध्यम से हमने आपको इन्फॉर्म कर दिया है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।